क्या एशिया कप अब एशिया कप नहीं रहेगा? क्या इंडिया की वजह से एशिया कप को रद्द कर दिया जाएगा? क्योंकि इंडिया तो मान नहीं रहा है पाकिस्तान जाके खेलने के लिए, और सिक्योरिटी रीजंस बताए जा रहे हैं, पर अब क्या इंडिया जिम्मेवार होगा अगर एशिया कप को रद्द कर दिया जाता है? तो चलिए जानकारी लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी जो स्पोर्ट्स में काफी जानकारी रखते हैं, साहिल केनी ज्वाइन कर चुके हैं। तो साहिल बताइएगा, क्या अब हम ये नहीं बोल पाएंगे कि चलो एशिया कप देखने के लिए चलते हैं? क्या एशिया कप सच में रद्द हो जाएगा? बॉल ओवर टू यू। थैंक यू। ये सबसे बात यही आती है कि एशिया कप रद्द होने का रीजन यही है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान ने की तरफ से उनके बोर्ड की तरफ से नजम शेट्टी की तरफ से जिस तरह सा हाइब्रिड मॉडल तैयार किया गया था, और उसको जो किसी भी बोर्ड ने अपना समर्थन नहीं दिया है। पाकिस्तान ने जो दिया था हाइब्रिड मॉडल उसमें इंडिया ने उसको दिया नहीं समर्थन, और श्रीलंका बोर्ड ने भी नहीं दिया, बांग्लादेश बोर्ड ने भी नहीं दिया, अफगानिस्तान बोर्ड ने भी दिया, जिसकी वजह से एशिया कप जो है अब शायद पाकिस्तान के बिना ही खेला जाए। तो अगर ये पाकिस्तान के बिना खेला जा सकता है तो वो एशिया कप नहीं गिना जाएगा। और ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उसकी वजह से एशिया कप जो है रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि जो उसके ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको काफी नुकसान होगा। ये नुकसान किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ इंडिया सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहां पे नहीं जा रही है पाकिस्तान खेलने के लिए, और हाइब्रिड मॉडल जो तैयार किया गया था पाकिस्तान की तरफ से नजम शेट्टी की तरफ से उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने इस पे कहा था कि हम इतनी अमाउंट देंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल को, तो इतना पैसा हम अमाउंट दे रहे हैं और पाकिस्तान उसमें खेलेगा तभी दे रहे हैं, अगर पाकिस्तान उसमें नहीं खेलेगा तो उसको रिवाइज करेंगे, तो उसके बाद एक नई जो अमाउंट होगी वो पेशकश की जाएगी वो दी जाएगी। तो ये चीजें उसमें रहेंगी, ब्रॉडकास्टर भी तैयार नहीं है। तो उसके तहत जो है कि कहा जा रहा है कि एशिया कप को रद्द कर दिया जाएगा, उसकी बजाय में उसके जगह पे एक अलग टूर्नामेंट खेला जाएगा जो कि मल्टी टीम टूर्नामेंट होगा, जो कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले खेला जाएगा, पाकिस्तान नहीं होगा और सिर्फ इंडिया होगा उसमें, श्रीलंका होगा, अफगानिस्तान होगा और बांग्लादेश होगा। तो इससे नुकसान किसको है? पाकिस्तान को नुकसान है या इंडिया को नुकसान है? देखिए, अब आईसीसी के जो टूर्नामेंट होते हैं उनको हम जो मना नहीं कर सकते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, आप उस चीज को मना नहीं कर सकते। पर ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इनकी अपनी मनमर्जी चलती है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, तो उसमें ये कर सकते हैं। और नुकसान जहां तक की बात है, नुकसान जो है ये हर एक टीम को है, जिस कंट्री में होना था उसको तो खासतौर पर काफी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वहां पे उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, हर चीज मैनेज होती है वहां पे, क्राउड जो है वो मैच देखने के लिए आता है, उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो नुकसान तो उसको भी होगा, पर ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा पाकिस्तान के नहीं खेलने से। तो वही वजह है कि ब्रॉडकास्टर ने इस तरह के अपने बयान दे दिए हुए हैं। और जहां तक बात रहती है इनके रिलेशंस की, इंडिया के पाकिस्तान रिलेशन तो हमेशा पॉलिटिकल रहे हैं, और हमेशा मैचेस जब होते हैं तो वो हाई वोल्टेज ड्रामा रहते हैं, पर उनके साथ साथ जो श्रीलंका बोर्ड है उसके साथ भी पाकिस्तान के रिलेशन खराब होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी एक टेस्ट सीरीज थी, उसके बाद प्रस्ताव किया दिया गया था कि हम उसमें वनडे सीरीज भी खेलेंगे श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंका बोर्ड की तरफ से दिया गया था ये, तो हम एक वनडे सीरीज भी खेलेंगे, पर वो पाकिस्तान ने साफ तरह से उसको नकार दिया। पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान बोर्ड ने कहा है कि हम सिर्फ टेस्ट मैच ही खेलेंगे, हम वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इशारा ये भी करते हैं कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस श्रीलंका बोर्ड के साथ हैं वो भी खराब होते नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरह से हर एक बोर्ड ने ये कह दिया है पाकिस्तान बोर्ड के साथ कि हम साथ बीसीसीआई का दे रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका बोर्ड, अफगानिस्तान बोर्ड और बांग्लादेश बोर्ड, इन तीनों ने साथ दिया है बीसीसीआई बोर्ड का, अब बीसीसीआई का साथ देने के बाद पाकिस्तान बोर्ड से इनके रिलेशन किस तरह के रहते हैं वो तो अब आने वाला समय बताएगा। पर ये जहां तक ये बात रहती है, अगर एशिया में एशिया क्रिकेट कप, एशिया कप जो है उसके मैचेस कुछ पाकिस्तान में नहीं होते हैं, तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान बाहर निकल जाएगा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिस कर सकता है या उसको करना चाहिए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल रहता है हमेशा, क्योंकि करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बयान दिया था कुछ दिन पहले, उन्होंने साफ तौर पर कहा था इंडिया को साथ खेलना चाहिए पाकिस्तान को, बायलेटरल नहीं खेलें पर खेलना चाहिए, ये उनको हरा के आते हैं तो उनके मुंह पे तमाचा है जिसका। बिल्कुल, अगर इंडिया चला जाता तो क्या लगता है कि कितना हद तक दोनों के रिलेशन अच्छे हो सकते थे अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने चला जाता तो? देखिए, रिलेशंस तो अच्छे होते ही, पर बात आती है सब सिक्योरिटी की, वहां पे सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं है कि इंडिया वहां पर जाए, पर न्यूट्रल प्लेसेस में भी अगर मैचेस खेल लेते तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं थी, उससे भी रिलेशन में काफी फर्क पड़ना था। न्यूट्रल बेसिस पे भी नहीं मान रहे हैं, नहीं जा रहे हैं वहां, उसकी वजह से तो एशिया कप की जो मेजबानी थी वो पाकिस्तान से ली गई है, और वो शायद श्रीलंका में करवाए जाएंगे, इस महीने के अंत में एक मीटिंग है उसमें ये फैसले सारे किए जाएंगे। पर जहां तक ये इस मॉड्यूल को नहीं मानने की तैयार है, उसके बाद पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है, तो वो
साफ तौर पर इशारा करता है इसी साल होने वाले वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आएगा, इस पे पूरा संशय बरकरार है। पर आईसीसी को मना करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आईसीसी हाल ही में पाकिस्तान गए हुए थे, लाहौर गए हुए थे, वहां पर मीटिंग हुई थी और पाकिस्तान से उनका रवैया पूछने के लिए कि आप आईसीसी का टूर्नामेंट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, हमें अगर आप खेल रहे हैं तो हमें गारंटी दीजिए, कोई ऐसी गारंटी जो पुख्ता गारंटी हो, ऐसे नहीं कि आप जुबानी कह दें कि हम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, आप पुख्ता गारंटी दीजिए। अगर नहीं खेल रहे हैं तो उसका रीजन दीजिए, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है कि आप उसको मना नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, अनलेस कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हो उस कंट्री के साथ जिस कंट्री में आपने खेलने के लिए जाना, और ऐसा है नहीं। इंडिया पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो बिल्कुल अच्छे हैं और ठीक है, और क्योंकि इंडियन एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी एम्बेसी जो है इंडिया में है, तो पाकिस्तान इसको नकार नहीं सकता है। एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो मैचेस होते हैं वो एशियन क्रिकेट टीम जो होती है उनकी अपनी मनमर्जी चलती है, उसमें वो देखने वाली बात रहती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साहिल के लिए हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। तो चलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या एशिया कप को ही रद्द कर दिया जाता है पाकिस्तान के डिसीजन या इंडिया के डिसीजन को लेकर। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे जी के न्यूज़।